लास्ट क्लास में ये अपना यहां तक हो गया था, ओपन बॉक्स वाले क्वेश्चन अपन लोग किए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली लास्ट क्लास को प्रोसीड करते हुए ही सॉल्व करना है हमें। अ फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको ये कैच करना जरूरी है क्या चीज गिवन है और किसको मैक्सिमाइज करना है किसको मिनिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज का मतलब होता है कि आपको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये पकड़ना जरूरी है। अब देखो एक फिगर है जो सेमी सर्कल और रेक्टेंगल को कंसिस्ट कर रहा है, नीचे लिखा हुआ है, ए डायग्राम दिया हुआ है। गिवन द पैरामीटर, ले लो ये चीज गिवन है, इसका मतलब पैरामीटर कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ द फिगर सो दैट एरिया विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब मुझे एरिया को डिफरेंशिएट करना है, तो इक्वेशन बनाऊंगा और एरिया को डिफरेंशिएट करूंगा, पहला टारगेट। अच्छा दूसरा टारगेट देखिए, ये रेक्टेंगल के ऊपर में है ना, ये जो आपको दिख रहा है सेमी सर्कल, तो एक काम करते हैं ना, रेक्टेंगल का डायमेंशन हम लोग ना एक्स ना लेके 2x ले लेता हूँ। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा कि ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस एक्स बन जाएगा, बस बस ये फायदा, इसलिए 2x और 2y ले रहे हैं। तो एरिया हमारे लिए हो चुका है 2x और 2y, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा और x भी वेरिएबल है y भी, तो ये दोनों को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बस ये ले लेता हूँ इक्वेशन वन। अब इसके लिए मैं ये मदद लूंगा ना, देखो ये पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 times of x plus y, और ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज गिवन ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, p इज नोन एज कांस्टेंट। तो बस अब आप यहां से y की वैल्यू निकालिए, y विल बी नथिंग बट p by 2 माइनस x। हाँ अच्छा पेरीमीटर ऑफ द फिगर बोला है, हाँ सेम बोल रहा हूँ। तो 2 pi r + 2l + b हो जाएगा। हाँ हाँ सही 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 सही, आपका कहना सही है। ये हो गया अपना 2 times of x plus। अच्छा एक चीज और, अब पेरीमीटर 2 times of x plus y नहीं रहेगा ना फिर। अब देखिए यहाँ मैं करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द फिगर बोला है, तो लेट पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज पी। अब क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 2x, मैं यहाँ से ऐसा लिखता हूँ 2x + 2y, जितनी भी बाउंड्री दिख रही होती है सबको ऐड करो, तो 2x + 2y, फिर ये वाली बाउंड्री 5/2x² हो जाएगा पाई एक्स, क्योंकि 2 pi r होता है, बस इतना ही होगा, और +2y, नहीं सर 2y क्यों होगा, ये भी तो आएगा सर, तो वो तो कट जाएगा 2x + 2y। तो देखो ये वाली कर रहे हो सर, हाँ एक मिनट बताने दो, ये लेंथ देखो मैंने ब्लू कलर की लेंथ को पूरा हाईलाइट कर दिया, ये पूरी लेंथ जुड़ेगी ना पेरीमीटर, तो पूरी बाउंड्री, तो 2x + 2y + πx + 2y, ठीक है पार्ट क्लियर है सर। तो बाहर वाला नहीं होगा क्या, मतलब अंदर जो जो वो मतलब जो टॉप वाला बेस है सर वो नहीं होगा? नहीं पेरीमीटर में ना बाउंड्री को बस ऐड किया जाता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सरकमफेरेंस या बाउंड्री, तो ये अंदर में आ रहा है ना तो बाउंड्री का पार्ट नहीं करेगा। आपने जब देखा होगा कुछ बार टेंट बनते हैं, जैसे बड़े बड़े ग्राउंड में बनते हैं सेमी सर्कुलर सिलेंडर, इस टाइप के टेंट्स बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, तो टेंट का जो वो होता है ना पर्दा बोलो आप या क्लॉथ, वो क्लॉथ ना ये वाले पार्ट में थोड़ी लगता है। अगर ये 3D तरीके से सोचो ना, इस डायग्राम को 3D व्यू में सोचिए आप, ऐसा टेंट बना हुआ है ग्राउंड में, तो वो क्लॉथ कहाँ कहाँ लगेगा, तो वो पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस में लगेगा, और नॉर्मली ना ये ग्राउंड होता है ये ग्राउंड में भी नहीं लगता है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि ग्राउंड के बारे में क्या कहानी है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस ग्राउंड में भी हम क्लॉथ लगा रहे हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि पूरे बॉडी का फिगर में ग्राउंड को भी ले रहे हैं, अंदर के पार्ट को तो नहीं लिया जाता ये तो कन्फर्म है, बट फिर क्वेश्चन की लैंग्वेजेस में होता है कि ग्राउंड को भी ना कुछ क्वेश्चन में नहीं लिया जाता, बट फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया है ग्राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो ये 2x को भी लेंगे। यहाँ से ना y की वैल्यू निकाल लो या x की, जो भी आपको कंफर्टेबल है, और वो निकाल के आप यहाँ पर एरिया में पुट कर दो, फिर मैं जैसे y निकाल लेता हूँ, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 4y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 4, ये हो गया y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को पकड़ते हैं हम लोग, ये रहा, और यहाँ लाके x के टर्म में यहाँ लाके पुट कर देते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे dA/dx निकालेंगे, और फिर आपको पता है फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग dA/dx को हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं,
एंड देन कहानी तो पूरी क्लियर है, उसके बाद की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई। ये एरिया इज इक्वल टू है 4 टाइम्स x, और वाई की जगह पुट कर दूंगा p-2x-πx/4। ये मैंने वाई की जगह पुट कर दिया जो मेरा इक्वेशन वन था। अब मैं क्या करूंगा, पहले थोड़ा अरेंजमेंट कर देता हूँ ना, अरेंजमेंट करने के बाद ही डिफरेंशिएट करे करो। ये 4 और 4 कट गया, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा π px-2x²-πx²। नाउ dA/dx आप निकालिए, बट यहाँ पर आपको याद होगा एक लाइन लिखा जाता है, फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग एरिया वी डिफरेंशिएट एरिया इक्वल्स टू px-2x²-πx²। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा p-4x-2πx, ये ऐसा। और फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट हम dA/dx को 0 से इक्वेट कर देते थे, तो p-4x-2πx, यहाँ से देखिए x निकालिएगा, एक्स यहाँ से आना चाहिए p/2π+4, ये ऐसा आ रहा है। हाँ सर यही आया, सर यही आया, यही आया, यही आ बिल्कुल रहा है, सेम, बिल्कुल ठीक सेम, ठीक यस सर आ गया। इसको थोड़ा और फिल्टर करना है तो आप फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन हाँ सुनिए, वर्ड्स प्रॉब्लम में ना स्टेटमेंट बहुत लिखना रहता है, मैं इसीलिए डिक्टेट कर रहा हूँ और आप लोग को रिकॉर्डिंग। अच्छा ये आ गया एरिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके जाते हैं वाई ये वाले में और यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें वाई मिल जाएगा। तो हमें डायमेंशन निकालना था, हमारा डायमेंशन आते जा रहा है, तो नाउ वाई इज इक्वल टू है हमारे पास p-2x-πx/4, ये है वाई। अब बस यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वाई आ गया, हो तो क्या पूरा डायमेंशन निकल जाएगा। अच्छा आपको पता है आपको एक्स नहीं निकालना है ना, आपको टू टू एक्स एक्स निकालना निकालना है, है। क्योंकि एरिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम लोग ने 2x लिया हुआ है। तो ये एजम्पशन में आपको स्टार्टिंग सॉल्यूशन में लिखना है कि लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2x, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2y, ये सब ये पूरी चीज आपको लिखना है हर चीज। तो यहाँ पर आप 2x की वैल्यू निकालोगे ना तो वो आ जाएगा p/π+2, ऐसा। वैसे आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना तो मेरे ख्याल से ये भी यही आता है p/2+, मेरे ख्याल से सेम आते हैं ये लोग, सेम आता है कि नहीं नहीं सर याद नहीं अलग आ आ रहा रहे हैं सर, थोड़ा अलग आ रहे हैं है सर, क्या, सर तो अलग निकाल नहीं। के हाँ एक बताओ मिनट, मुझे, ये 4 आ रहा है क्या? हाँ 4 आ रहा है, देखना तो ये 4 आ रहा होगा भाई। तो इसको लेके जब आप 2y निकालोगे तो वो हो जाएगा p/π+4। तो दिस इज व्हाट योर डायमेंशन इज। और एक और चीज, जो कांस्टेंट रहती है ना उसी के टर्म में आंसर आता है, तो सेम कांस्टेंट यार कौन है, सेम, बहुत पेरिमीटर। अलग आ रहा है। एक बार सर ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ सेमी सर्कल था हमारा, तो ये एरिया के टाइम में, अच्छा पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, रुकिए तो फिर ये पूरा ही डिलीट करते हैं क्योंकि तो उससे पूरी चीजें गड़बड़ आएगी। क्या सर, देखो यहाँ पर ना पार्ट ऐसा कर लेंगे अपन, एरिया इक्वल्स टू 4xy+πx²/2, ये लिख दो एडिशनल, पूरा नहीं मिटाना था, चलो ठीक है मिटा दिए। तो एरिया इज इक्वल टू 4xy, ये है प्लस यहाँ पर आ रहा है πx²/2, ये ऐसा। तो वाई की जगह तो हम लोग ने पुट करना था बस यहाँ पर 4xy की जगह ये पुट करना था p-2x-πx/2, बाय 4 था शायद, बाय 4 ये वाई की जगह मैंने पुट कर दिया है, और ये हो गया π x² बाय 2। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा जाएगा कि dA/dx फॉर डिफरेंशिएटिंग दिस, सॉरी फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ एरिया। तो ये एरिया के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी डिफरेंशिएट मत करो, पहले सेट कर लो। तो एरिया को पूरा सेट करते हैं फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 4 और 4 कट जाएगा जैसा, और वही अंदर जाएगा ये px-2x²-πx², और ये तो ऐसे रहेगा πx²/2। बस एक पाई एक्स एक्स्ट्रा आएगा वो dA/dx करने पे, dA/dx करेंगे तो ये p हो जाएगा, ये -4x, ये हो गया -2πx, बस यहाँ पर ये हो जाएगा पाई एक्स बस। तो ये एक एडिशनल था जो कि गड़बड़ हो गया था उस समय, तो dA/dx, तो ये -2πx और पाई एक्स
ये दोनों मिलके बन गया है 4x माइनस 5x। यस। अब जैसे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो हम लोग इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देख लेना तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हो गया पी अपॉन पाई प्लस फोर, ये मेरा एक्स आ गया। अब वाई में भी चेंजेस आएगा, तो नाउ वाई क्या था हमारे पास, पी माइनस 2x माइनस 5x/4, ये था वाई। ये वाई मतलब ये पी की वैल्यू को यहाँ पर लाके पुट करो, देखो वाई क्या आता है। जो भी वाई आएगा तो आपको याद रखना है कि 2y निकालना है आपको, और यहां से भी आपको निकालना है 2x ही था, तो 2x तो हो जाएगा 2p/π+4। ये डायमेंशन निकल चुका है ना अपना, ये आ गया 2x, 2p/π+4। उसी तरीके से 2y निकाल लीजिए, दोनों का देख लीजिए क्या आता है। तो एक गड़बड़ था कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम लोग ने नहीं लिया था। ये बताना है फाइंड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। फाइंड, देखो पहले ना समझ लो इंस्क्राइब्ड कौन है एक्स और सर्कमस्क्राइब कौन है, ये सब चीजें पहले समझ लो। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर के अंदर में सिलेंडर है, और इंस्क्राइब्ड है इसका मतलब सिलेंडर का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम है। इंस्क्राइब्ड का मतलब यही होता है, और दूसरा इंस्क्राइब की मीनिंग ये भी होती है कि जो भी अंदर वाली बॉडी है उसके पूरे कॉर्नर पॉइंट्स सर्कल के, या ये जहां कौन है स्फीयर है, स्फीयर के सर्कमफ्रेंस में टच करेंगे। तो शायद डायग्राम ये बन रहा होगा, देखो ये अपना स्फीयर, स्फीयर के अंदर में एक सिलेंडर आ गया, स्फीयर का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल आर, तो मैंने सिलेंडर के रेडियस को ले लिया है स्मॉल आर, और सिलेंडर के हाइट को ले लिया है कैपिटल एच। मुझे क्या टारगेट है पहले समझ लो भैया, बार बार वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर मतलब वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर वो निकालना है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल आर मैंने रेडियस ऑफ द सिलेंडर लिया और कैपिटल एच मैंने हाइट ऑफ द सिलेंडर लिया, इसका मतलब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और ध्यान से सुनना, स्मॉल आर भी वेरिएबल है और कैपिटल एच भी, क्योंकि रेडियस, क्योंकि सिलेंडर बदलते रहेगा ना स्फीयर के अंदर, लेकिन फिक्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, कैपिटल आर। और यस, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे या तो स्मॉल आर या तो कैपिटल एच किसी एक को, मान लो कैपिटल एच को मैं क्या करूंगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मान लो कैपिटल एच को अगर मैं स्मॉल आर और कैपिटल आर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, तो यहाँ लाके पुट करूंगा, फिर डीवी बाय डी आर निकालूंगा, डीवी बाय डी आर, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो मैं ये निकालूंगा डीवी बाय डी आर, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो अब मेरा मेन मुद्दा ये हो गया कि या तो कैपिटल एच को स्मॉल आर और कैपिटल आर में ला लूं, या तो स्मॉल आर को कैपिटल एच और कैपिटल आर में, वो मेरे को देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा ये है अब, तो चलिए कहानी चालू करते हैं इसकी। ये मत बताओ सर, बनान तो बना रहे हो, ये लो, ये देखो, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, और ये देखो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो दोनों को, तो देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देखो ठीक है। तो बाय सिंपलिसिटी ओए और ओसी इक्वल हो जाएंगे। बस सर यही तो चाहिए था, बाकी सब तो आ गया। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी में देख लीजिए, ओ डी और ओ बी इक्वल होंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर, और सी डी, डी बी और सी डी इक्वल होंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड ये हो गया 90 डिग्री। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सिंपलिसिटी ओ ए और ओ सी इक्वल हो जाएंगे, तो हेंस हम बोल सकते हैं कि ओ ए और ओ सी ये दोनों एच बाय टू के इक्वल। सर आंसर क्या आया, एक मिनट ना, अब आप एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच बाय टू का होल स्क्वायर, क्योंकि अपना यहां से यहां तक की लेंथ आ चुकी है एच बाय टू। चलिए अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता था, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है। तो एक काम करता हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि कैपिटल आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ये बस ध्यान रखो कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट है। जितने लोग भी एग्जाम हॉल में ये चीज ध्यान नहीं रखते हैं, वो सुपर डुपर तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। तो ये हो गया अपना इक्वेशन वन, बस ये ध्यान रखना कि आर स्क्वायर कांस्टेंट और कैपिटल एच वेरिएबल है,
तो ना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला ये होता ही है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, यहाँ पर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू कैपिटल एच, और ये हो गया वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे कैपिटल एच के टर्म्स में ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच माइनस पाई एच क्यूब, और यहाँ हो गया 4। ओपन कर दिया ना मैंने इसको। अब डीवी बाय डी एच निकालेंगे, डीवी बाय डी कैपिटल एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4। और फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग पुट डीवी बाय डी एच इक्वल टू 0। इसको जैसे ही आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आप देखिएगा कैपिटल आर आपका क्या आता है। कुछ गड़बड़ नहीं है कहीं पर, सब चीज सही है ना? तो देखिए यहां से मैं क्या करने वाला हूँ, कैपिटल एच की वैल्यू निकालूंगा, ए सॉरी कैपिटल आर की वैल्यू, या कुछ भी निकाल लेते हैं, क्या निकालें, क्या सर? तो कैपिटल एच इज इक्वल टू हो जाएगा 2 r/√3, ये आ रहा है कैपिटल एच। याद रखिएगा फिर से कैपिटल आर इज कांस्टेंट। अच्छा अब आपके पास ये कैपिटल एच आ गया है, तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन वन देखिए आप। अब इक्वेशन वन से स्मॉल आर निकालते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर में मतलब इक्वेशन वन में आप ये कैपिटल एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे कैपिटल एच की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन वन में, तो रेडियस स्मॉल आर मुझे दिख रहा है 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, क्या आएगा भाई 2/3, ये देखो तो ये आ रहा है 2/3 का रूट इनटू कैपिटल आर। एक बार चेक करके बताइएगा ना, यस सर, यही आ रहा है। ठीक है आर्ची का यही आ रहा है ये कैप। अच्छा मैंने कैपिटल एच और स्मॉल आर क्यों निकाला, क्योंकि ना मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड वॉल्यूम, मतलब मुझे वॉल्यूम ही निकालना है। इसका मतलब ये वॉल्यूम का ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर मैं पाई और ये स्मॉल आर की वैल्यू पुट करूंगा, √2/3 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, मतलब 2/3 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर ये ऐसा, और एच की वैल्यू पुट कर दूंगा 2 r/√3, ये पुट करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, जब मैं स्मॉल आर और कैपिटल एच पुट करूंगा, तो कैपिटल एच तो ये मेरा आ चुका है, स्मॉल आर मेरा इक्वेशन वन से निकल जाएगा, तो ये इक्वेशन वन से जो मेरा स्मॉल आर आया है ये पुट करने पे, ये दोनों को मैं पुट कर दूंगा वॉल्यूम के फॉर्मूले में, तो आई विल गेट द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक बार और थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन वी कैन से, स्कूल वाले के लिए भी सबके लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इन गिवन सिलेंट हाइट इज, ये इज है ना, इन इज 10 √2, या कॉज है एक ही मतलब है, आप 10 √2 दिखा दो वही सही है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सिलेंट हाइट। चलो एक हिंट मिल गया है, सिलेंट हाइट गिवन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मतलब आपको उसको कॉन्स्टेंट लेके सॉल्व करना है, और किसको मैक्सिमाइज करना है, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते करते मुझे सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू बतानी है। Now, what is meaning of semi-vertical angle? एक सेकेंड, हाँ तो ना what is meaning of semi-vertical angle? जैसे हम लोग कोन लेते हैं ना, ये देखो मैंने कोन बना दिया, ये रहा कोन, तो कोन के सेंटर से आप एक लाइन खींचेंगे, और वो सेम उसी लॉजिक से जैसे अभी हम लोग ने सर्कल में प्रूफ किया पिछले पार्ट में, सेम उसी लॉजिक से अगर आपने ये इसको इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये, तो आपको पता है ये वाला जो पार्ट है, ये ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, या ए उस ऊपर ही दे देता हूँ मैं, ये बी और इसे, वो ए ओ बी और ए ओ सी कॉन्ग्रेंट होते हैं, और कॉन्ग्रेंट होते हैं इसीलिए ओ सी और ओ बी मतलब रेडियस ऑफ द, वो तो रेडियस ऑफ द क्या बोलते हैं हम लोग, कोण तो ही है, तो कॉन्ग्रेंट होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब यही है कि ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, ऐसा, और लेट अस अज्यूम कि दिस इज रेडियस ऑफ द कोन, लेट अस अज्यूम कि दिस इज हाइट ऑफ द कोन, ऐसा एच, एंड ये गिवन है तो इसको हम लोग एल ले लेते हैं, और दिस इज नोन एज स्लेंट हाइट,
और ये सिलेंट राइट हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन का मतलब हो जाता है आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये कांस्टेंट है, बट हाइट और रेडियस कांस्टेंट नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे फिर पे। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सिलेंट हाइट इज दिस। तो आप सोल्यूशन में यहाँ पर लिखना चालू करेंगे अपन कि लेट सेमी वर्टिकल एंगल इज, सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। पहले उसको थीटा ले लेता हूँ, अब मुझे थीटा को ही प्रूफ करना है कि वो टेन इनवर्स टू है, तो मुझे थीटा ही लाना है। रेडियस ऑफ कोन इसको हम लोग ले लेते हैं स्मॉल आर, हाइट ऑफ कोन इसको हम लोग ले लेते हैं स्मॉल एच, एंड लेट स्लेंट हाइट ऑफ कोन इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल एल, और यहां मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट, इसलिए क्योंकि ये गिवन है। तो आप बिंदास इसको कांस्टेंट लेके सॉल्व करेंगे, और ये तीनों वेरिएबल है थीटा आर और एच। आ गया सर, हो गया, हो भी गया। चल अब मुझे जिसको मैक्सिमाइज करना है ना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, ये ट्राइंगल एओबी में आप देखो, डायग्राम बना तो लिए होगे आप लोग, ट्राइंगल एओबी में आप देखिए साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा विल बी आर बाय एल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा। इसी तरीके से ना आप एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू आ जाएगी एल कॉस थीटा, इसी लॉजिक से सेम बेस बाय हाइपोटेन्यूस के लॉजिक से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे वॉल्यूम को ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा में लेके आ रहा हूँ। तो 1/3 तो ही कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट होता है, आर की जगह मैंने लिख दिया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एच की जगह मैंने लिख दिया एल कॉस थीटा, और एल भी कॉन्स्टेंट ही है, तो 1/3 पाई एल क्यूब ये हो गया तीनों बाहर, अपना साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा। ये देखो ये ऐसा आ गया वॉल्यूम। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है, तो एज कम्पेयर टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, तो एज कम्पेयर टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज we can say this is one of the easiest method, कि अगर आप उसको trigonometry में convert कर पा रहे हैं तो, otherwise अगर आप trigonometry नहीं catch कर पाते हैं ना, तो आप इसको Pythagoras से भी कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे देखो, मैं एक बार बस बता देता हूँ ना, कर नहीं रहा हूँ। एल स्क्वायर इक्वल टू है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ से ना आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज ये भी इजी, ऐसा तो नहीं कि ये भी टफ है, ये भी बहुत ईजी पड़ेगा। क्यों, अच्छा ये क्यों ईजी पड़ेगा, ये भी क्योंकि ना यहाँ आर स्क्वायर को एज इट इज पकड़ के यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा आर स्क्वायर को, और एल कॉन्स्टेंट है तो डीवी बाई डी एच निकालना बहुत आसान है। तो फिलहाल इस केस में ना पाइथागोरस इजी पड़ रहा है, बताओ ट्रिग्नोमेट्री मेथड इजी लगता हो या पाइथागोरस, जो भी आप दोनों से कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ट्रिग्नोमेट्री से किया, बट आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। आप आर स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकाल के ना यहाँ पुट कर दीजिए, एल कॉन्स्टेंट है तो डीवी बाई डी एच निकालिएगा, जो लोग यूज किया सर उससे आ गया एक बार। हाँ बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर एज इट इज आ रहा है, नहीं तो मैक्सिमम पाइथागोरस के थ्योरम में ना स्क्वायर रूट के साथ पुट करना पड़ता है ये इसके साथ, तो फिर थोड़ा टफ पड़ जाता है, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है वैसा, तो ये इजी पार्ट है। और अदरवाइज आप लोग डीवी बाय डी थीटा जो भी मेथड से आप करें, या तो आप डीवी बाय डी एच निकालेंगे जो लोग ये वाले मेथड से कर रहे हैं, और जो लोग इस मेथड से कर रहे हैं वो लोग डीवी बाय डी थीटा निकालेंगे। दोनों मेथड का अपन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग डीवी बाय डी एच निकाल रहे होंगे उनका एच आ रहा होगा कुछ, क्या था इसमें आपका आ गया था ना ओम, आपकी एल आर के टर्म में आएगा सर, एल इक्वल्स टू रूट थ्री बाय रूट टू आर। एक मिनट, एल आ रहा है, एल एल क्या आ रहा है, रूट थ्री बाय रूट टू स्मॉल आर, रूट थ्री बाय रूट टू। अच्छा तो उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ ना, ये आ रहा है रूट थ्री बाय टू इंटू स्मॉल आर, ये आ रहा है एल, है ना। हाँ सर, एच आएगा आर बाय रूट रूट टू, आर बाय रूट टू एच। नहीं तो आपने जब यहाँ डीवी बाय डीएच को जीरो से इक्वेट किया तो आपका डायरेक्ट एच आ गया हो ना। नहीं सर, मेरा उसमें एल और आर में रिलेशन आया, मैं एच आर के टर्म्स में किया ना सर, मैं आर के टर्म्स में किया। अच्छा अच्छा हाँ, तो आपका एच बताओ, आपका एच क्या आएगा, आर बाय रूट टू। हाँ तो देखो बाकी लोग ये देखिए, जब आप ये आर स्क्वायर को यहाँ पर लाके पुट करेंगे ना, इसको इक्वेशन वन ले लो, तो जो लोग इस मेथड से कर रहे हैं पाइथागोरस से, तो आर स्क्वायर को जैसे पुट करेंगे ना, तो डीवी बाय डीएच को जीरो से इक्वेट करते ही डीवी बाय डीएच निकालो और जीरो से इक्वेट करना, तो देखना स्मॉल एच ही आएगा आर बाय रूट। मैं तो टैन थीटा लेके गया हूँ, टैन थीटा।
थीटा मतलब, हाँ सर, इसके बाद टेन थीटा लेंगे तो वो टेन थीटा होगा आर बाय एच, तो हाँ वो इसमें तो फिर आर उससे बाय एच प्रूव हो जाएगा कम। ना, मेन तो पहले यहां तक आ जाओ। हाँ सर, हाँ, स्टार्टिंग से तो टेन थीटा लिया सर आपने जो लिया ना। जैसे आप डीवी बाय डी थीटा करोगे ना, तो देखना आपका ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ना डायरेक्टली आ जाता है टेन थीटा इक्वल टू रूट टू, तो थीटा आ जाता है टेन इनवर्स रूट टू, यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है। जितने लोग भी डीवी बाय डी थीटा कर रहे होंगे तो डीवी बाय डी थीटा निकालिए, जीरो से इक्वेट करो, तो देखना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो डायरेक्टली आपका टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा रूट टू, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स रूट टू। सारे क्वेश्चन बन रहे अच्छे से। ऑफ द लार्जेस्ट सिलिकॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एक मिनट फिर से, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, ठीक है। अच्छा प्रूफ दैट है ना, यहाँ पर प्रूफ दैट लिख दो। प्रूफ दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, मतलब स्फीयर के अंदर में कोन आ रहा है और स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर और इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये आपको प्रूफ करना है। 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये आपको प्रूफ करना है। दिस इज आवर टारगेट और गिवन है स्फीयर का रेडियस, तो कोन है तो कोन के लिए भी मुझे वॉल्यूम के टाइम में उसका हाइट चाहिए रहेगा और उसका रेडियस चाहिए रहेगा, तो वो दोनों को आप स्मॉल आर और स्मॉल एच लेके आप चालू कर सकते हैं। टारगेट है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, इस बार पूरा ट्राई होम कभी नहीं आया ना। चलिए अब देखिए, दुर्गेश का आ चुका है, क्या बात है। ये अपना हाइट ऑफ द कोन है, सेंटर ओ है, ओ से सी से ज्वाइन किया तो रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया, मतलब दिख रहा है। इसको मैं ले लेता हूं रेडियस ऑफ द कोन, ये मैंने अज्यूम किया, तो इसके टर्म्स में मेरे को आंसर मतलब इसके टर्म्स में मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। 2 मिनट के लिए आप ओडी को मान लीजिए एक्स, तो लेट ओडी की वैल्यू अगर एक्स है तो आपको पता है एडी विल बी व्हाट, पता है एडी ओए प्लस सर आ गया ओडी मेरा भी सर। आ गया आपका भी, तो ओए इज व्हाट आर, आर प्लस एक्स एडी हो गया, और एडी कौन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर ही तो है, ए हाइट ऑफ द कोन है एच। तो वॉल्यूम को मुझे मेजरमेंट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये आर स्क्वायर तो पाइथागोरस से नहीं लिख सकता हूँ ना मैं, वो मैं क्या लिखूंगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा। और कैपिटल स्मॉल एच को मैं क्या लिखूंगा, ये देखो ये कैपिटल आर प्लस एक्स, और आपको पता ही है कि कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन है, वो देखो ये गिवन है, इसका मतलब जो मेरा इक्वेशन आया वॉल्यूम में वो एक्स के टर्म में आ रहा है, इसका मतलब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दो, डीवी बाय डी एक्स 1/3 पाई तो बाहर हो गया, ये ऐसा। पहले मैं आर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो आर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया मैंने प्लस, अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को किया तो आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का होता है -2x इंटू आर प्लस एक्स को छोड़ दिया, ये हो गया अपना प्रोडक्ट रूल। अब डायरेक्टली इसको 0 से इक्वेट करेंगे, पहले आप और सेट कर लीजिए और फिर इसको 0 से इक्वेट कीजिए, तो डीवी बाय डी एक्स ये हो गया पाई बाय 3, अंदर में देखिएगा ना क्या आता है, यहां से आएगा -2x² -2x² ये बन जाएगा -3x², तो ये देखना आर स्क्वायर माइनस 3x² ये तो बनी गई, फिर 2xr एक साइड 2xr भी आएगा, ये ऐसा आ रहा है देखिएगा आप लोग। अब मैं क्या करूंगा, फॉर फाइंडिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग पुट डीवी बाय डीएक्स इक्वल्स टू 0, तो जैसे हम लोग इसको 0 से इक्वेट करेंगे ना, तो देखो वो ऐसा बनेगा आर स्क्वायर माइनस 3x², या इसको थोड़ा सा मिडिल में रखूं मैं अगर, -2xr -3x² इक्वल टू 0। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट हो जाएगा, अगर मैं -3x² में को ब्रेक करूं या किसी को, किसको ब्रेक करोगे आप, ये -2xr को ब्रेक कर लो -3xr प्लस xr में, तो जैसे ही आप ब्रेक करोगे ना फैक्टराइज करोगे तो
देखना तो ये आता है क्या, एक आएगा आर प्लस एक्स, एक फैक्टर ये आएगा, और एक आएगा शायद आर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर की दो वैल्यू आएगी, एक तो आर की वैल्यू आएगी माइनस एक्स जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आर की वैल्यू बस थ्री एक्स ही एक्सेप्टेबल है। एक बार ये देख लीजिए यहां तक सबका आ चुका है कि नहीं, फैक्टराइजेशन भी किया है। आर इक्वल टू थ्री एक्स आ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू जो आ रही है अपने पास, एक्स की वैल्यू वो आ रही है आर बाय थ्री। ये एक्स की वैल्यू का कोई काम है क्या, देखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। हाँ है ना, क्योंकि वॉल्यूम में मेरे को ये एक्स का जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कोन में ये आर प्लस एक्स है, तो हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा आर प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट करो तो ये हो जाएगा फोर आर बाय थ्री। ये आ गया मेरे पास हाइट ऑफ द कोन। और अगर आपको स्मॉल आर भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। ये तो एच आया ना, ये हाइट ऑफ द कोन आया है, ये हाइट, ये देखो ये। अब मैं रेडियस ऑफ द कोन भी निकाल सकता हूँ कैसे, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने लगाया था, तो ये देखो रेडियस का ये है फॉर्मूला कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हाइट की जगह मैं पुट कर दूंगा आर बाय थ्री, ये वाला आर बाय थ्री को, ये जो आर बाय थ्री आया है मेरा, ये आर बाय थ्री को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मुझे ना स्मॉल आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। और फिर आपका तो आंसर ही आ गया, फिर तो क्या है, या तो एक काम करो ना आप लोग, डायरेक्ट वॉल्यूम को यहाँ पर पुट करो, मतलब डायरेक्ट एक्स को यहाँ पुट करो, आपको हाइट ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द कोन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप एक काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन का ये फॉर्मूला है, ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू आर बाय थ्री डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए। चलो पुट करता हूँ मैं, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा वन बाय थ्री पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह आर बाय थ्री रख दिया मैंने, इंटू आर प्लस एक्स, एक्स की जगह फिर से मैंने आर बाय थ्री रख दिया, तो हो गया वन बाय थ्री पाई, ये हो गया एट आर स्क्वायर बाय नाइन, और ये हो जाएगा फोर आर बाय थ्री। ठीक है, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से कनेक्शन करना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये एट और ये नाइन और ये थ्री को पकड़ लो, तो एट नाइन इंटू थ्री होता है 27। अब बाकी कौन कौन बचा, फोर बचा ऊपर में, पाई बचा ऊपर में, आर स्क्वायर इंटू आर होता है आर क्यूब बचा, और डिवाइड बाय थ्री बचा, तो ये फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है, तो यहां लिख दो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अपना हाइट ऑफ द कोन था, ये हालांकि मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके दो आंसर आ रहे हैं कि आर की वैल्यू माइनस एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं कि रेडियस नेगेटिव में हो, वो तो गलत ही है, और एक आर की वैल्यू आ रही है थ्री एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दिया बाई थ्री। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन के फॉर्मूले में एक्स की जगह मैंने आर बाय थ्री पुट किया हुआ, ये और ये इसको सेट किया मैंने, सेट किया तो ये एट बाय 27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ गया, खेल खत्म। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेट ए पी एंड बी क्यू आर टू पोल्स सच दैट ए पी इज 16 मीटर, बी क्यू इज 22 मीटर, ए बी इज 20 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट ए सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। बाप रे, ट्राई करो, देखा हुआ है ऐसा है क्या? देखो पहला चीज इसमें क्या दिया है, जैसे ग्राउंड है, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाएंगे, इसमें दो पिलर खड़ा कर देंगे, और फिर देखेंगे 10 मीटर आ रहा है आंसर आपका भी आ गया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ये देखो जैसे एक पोल की हाइट कम है और दूसरे पोल की हाइट ज्यादा है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए पी एंड बी क्यू आर टू पोल्स, तो इसको मैं बी क्यू ले लेता हूँ, और ये है अपना ए पी, छोटा वाला ए पी है ये ऐसा, तो ये रहा ए पी और ये रहा बी क्यू, ये है अपने पास 22 मीटर का और ये है 16 मीटर का,
आपको बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन एबी फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसको मैंने एक्स ले लिया है और ये 90 डिग्री तो बिल्कुल रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 20, तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और ये दोनों के स्क्वायर का सम को मिनिमम करना है। तो हो गया पाइथागोरस लगा दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर क्यू स्क्वायर आ जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आर क्यू स्क्वायर। और आर पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे ही क्या आ जाएगा, देखिए आर क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर स्क्वायर निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है, बाकी को तो जरूरत है क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। 20 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया 400 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर दो बार एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 40x ये आ रहा है। अब अपना दो मिनट ले आर क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर को आप दो मिनट ले फंक्शन एफ मान लेंगे, ऐसा तो ये पूरा फंक्शन एफ है ये। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसी को तो मिनिमम करना है, आर क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर को ही तो मिनिमम करना है। तो बस अब आप डी एफ बाई डी एक्स निकालिए, जीरो से इक्वेट कीजिए। तो जैसे आप डी एफ बाई डी एक्स निकालोगे और जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या था ये, बहुत अच्छे। चलो ठीक है पार्थम, आपने यही किया था पार्थ की, कुछ और किया था आपने, कहाँ गया ये पार्थ? हाँ सर। ओम? हाँ सर बोलो ना। कहाँ गए सर? कहीं नहीं, यहीं पे हूँ। अरे झूठ मत बोल, फोन चला रहे सर। वाह तो मैं समझ गया था, नहीं चला रहा सर। हाँ सर आया ना, और मूवी भी देख रहा होगा, पता ऑडियो कनेक्ट कर लेता है ईयरफोन में, चालू हो जाता है। कुछ भी सर, कुछ भी। हाँ बहुत लॉकडाउन में मजे किए हैं पार्थ। अरे सर क्या। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। साक्षी पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर है? अर्णव, साक्षी, दीक्षा? यस सर। ठीक है अर्णव? यस सर। अच्छा दीक्षा को भी क्लियर है, ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। दुर्गेश आपका हो गया था ये वाला क्वेश्चन, 17 में आ गया हूँ। ठीक है फिर चलिए नेक्स्ट। इसमें आपको ये निकालना, so that volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone, cone के अंदर में एक cylinder है, cone की height दी हुई है h और semi vertical angle दिया हुआ है theta, ये दो चीज given है, इसका मतलब ये constant का काम कर रहे हैं, अपना try भी करते रहिए parallelly। ये रहा diagram, ये मैंने एक cone बना दिया है, cone के अंदर में एक cylinder, ऐसा बोला गया था कि cylinder is inscribed। Now next चीज जो हमें करना है इस question में कि यहां पर ना, पहले तो मैं ये बना देता हूं सेमी वर्टिकल एंगल वाला लॉजिक, ये ऐसा और ये ऐसा है। ये पॉइंट ए ले लेता हूं मैं, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये ऐसा। अब देखिए ये पॉइंट ए ले लेता हूं मैं, ये ए, ये हो गया बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी एंड दिस वन इज ई। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो क्या थी, इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट एच, तो एडी यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू एच दी हुई है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ये स्मॉल एच लेके ना लेके मैं कैपिटल एच कर देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा ऐसे कर लें बेटर रहेगा, और इसको भी मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ। हाँ इसको भी मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा क्या है यहाँ नोटेशन देने में इजी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लेट ये तो हो गया मेरा कैपिटल, मैंने इसको कैपिटल एच ले लिया, और ऐसा ले लेता हूँ मैं सॉल्यूशन के टाइम में कि लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज, हाइट ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल एच, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल आर। तो इसको आप स्मॉल आर लेंगे और इतने
पार्ट को मैं ले लेता हूँ स्मॉल एच ऐसा। अच्छा लास्ट ये वाली वैल्यू ना थीटा दी हुई है क्वेश्चन में, ऐसा बोला गया है शो दैट दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, ऐसा लिखा है लास्ट सेकंड लाइन में। तो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इतना चीज दिया मैंने, अब मेरे को क्या करना है, एच और आर मैंने स्मॉल तो मैंने अपने मन से लिया हुआ है, और रेडियस ऑफ कोन भी ले लेता हूँ यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ कोन इसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर, ये भी गिवन नहीं है, तो गिवन तो केवल और केवल हाइट कैपिटल एच है और थीटा। यहाँ पर ना हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का लॉजिक लगाने वाले हैं। देखिए ट्राइंगल एबीसी देखो और ट्राइंगल एडीई देखिए आप, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीई में दोनों ट्राइंगल एंगल पी और एंगल डी पे 90 डिग्री आ रहा है, एंगल ए पे दोनों दोनों जगह थीटा एंगल है, क्योंकि एबीसी पे भी जितना ए आ रहा है उतना ही एडीई में भी उतना ही एंगल ए आ रहा है। तो हेंस वी कैन से कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल एबीसी और एडीई सिमिलर है। इसका यूज क्या है, इसका क्या करना है, इससे समझेंगे ना हम लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है, अब वो लॉजिक में आते हैं। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, एक मिनट पहले इधर आ जाता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखो आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, स्मॉल आर और स्मॉल एच। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल आर और स्मॉल एच को कैपिटल एच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं, तो मैं सिमिलैरिटी वाला लॉजिक लगा के ट्राई कर रहा हूँ कि शायद आ जाए, देखते हैं एक बार। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि ये एंगल थीटा और ये 90 डिग्री ना, ये इतना एंगल 90 है। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो आपको पता होगा साइड्स आर इन रेशियो। तो ये देखो कटिंग कॉन्सेप्ट से मैं बता देता हूँ आपको, ये है ए बी सी और ये है अपना ए डी ई। तो कटिंग कॉन्सेप्ट से ना साइड्स रेशियो में आ जाते हैं, इसका मतलब ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा ए बी की वैल्यू क्या है, अब आप देखो डायग्राम में व्हाट इज ए बी, ए बी प्रूफ करने के बाद दिखाओगे क्या? हाँ एक मिनट सर, इसमें सर मेरा सेम आ रहा है, बस मेरा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है। अच्छा अपॉन में आ रहा है, हाँ सर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, एक बार चेक करते। तो आपने सर करो, देखो अब मैं ए बी को मैंने लिख दिया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए डी इज कैपिटल एच, फिर बी सी को हम लिख सकते हैं स्मॉल आर। सर मैं टेन थीटा को उल्टा लिख दिया था, मतलब अच्छा बी बाय पी लिख दिया था, पी बाय बी की जगह से मेरा टेन थीटा नीचे आ गया, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। हाँ सर अब अच्छा भाई एक चीज देखिए, ए सी अपॉन ए का कोई यूज नहीं है क्योंकि स्लैंट हाइट है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहीं पर मैं रोक देता हूँ। अब आप एक चीज देखिए, कैपिटल एच तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, दिक्कत कहाँ है कि कैपिटल आर से। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, ये देखो ट्राइंगल ए डी ई को देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए डी ई क्या टेन थीटा आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ए डी ई में टेन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, डी ई अपॉन ए डी। नाउ व्हाट इज डी ई, डी इज कैपिटल आर, और व्हाट इज ए डी, ए डी इज कैपिटल एच, तो दिस इज व्हाट टेन थीटा। तो बेटर रहेगा कि मैं कैपिटल आर को ऐसा लिख दूं, कैपिटल एच इनटू टेन थीटा, ये ऐसा। तो कैपिटल आर को ना मैं ये लिख के यहाँ पर, अब देखना ध्यान से सुनना, वॉल्यूम, अरे यार मैंने मिटा दिया गया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ना ये जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं क्या करूंगा एच की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, ये बॉक्स से एच की, स्मॉल एच की वैल्यू, क्योंकि कैपिटल एच क्वेश्चन में गिवन और टेन थीटा क्वेश्चन में गिवन है तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर लाके पुट कर दूंगा, और डीवी बाय डी आर निकालूंगा, ये डीवी बाय डी स्मॉल आर, अब वो निकालो, जीरो से इक्वेट करो और देखो फिर आपका आंसर क्या आता है। पहले ये देख लो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है कि नहीं, पहले इतना देख लो। देखिए ओम हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, अब देखो इसके बाद मैंने जैसे यहाँ पुट किया ना, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, मैंने कैपिटल आर की जगह पुट किया था, कैपिटल आर इज नथिंग बट कैपिटल एच टेन थीटा, शायद ये आया था, हाँ जी। तो अब ये देखो ये एच और एच कट गया था, तो यहाँ से ना मैं बोल रहा था स्मॉल एच की वैल्यू निकाल लो, दैट इज एच टेन थीटा माइनस स्मॉल आर, ये आएगी,
नाउ अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको हम लोग बोलेंगे वी. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. तो पाई की जगह पाई रहने देना है, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह भी वही रहने देना है हम लोग को. क्या स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच टेन थीटा जो कि कांस्टेंट का काम कर रहा है माइनस आर. यस सर. अब अपना पाई आर स्क्वायर को अंदर ले जा लो, एच टेन थीटा साथ में पाई और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस पाई आर क्यूब. ऐसा आ गया वॉल्यूम. अब आप डीवी बाई डी आर निकालिए तो ये पाई एच टेन थीटा ये तो आ गया मैं समझ गया. हाँ सर आ गया. हो गया टू आर, हो गया थ्री पाई आर स्क्वायर. अब आप जीरो से इक्वेट कीजिए इसको, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए और आप देखिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या आती है. वैसे आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्या निकालना है यार, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर. तो मुझे इन द एंड यही निकालना है, इसको ले लो आप इक्वेशन वन, वो यही निकालना है वॉल्यूम. तो यहाँ डीवी बाई डी आर को जीरो से इक्वेट करके ना जो भी आपकी आर की वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पुट कर देना ऊपर इक्वेशन वन में, तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा. जैसे आपने इसको जीरो से इक्वेट किया टू और टू कटेगा, पाई और पाई कटेगा, सॉरी पाई पाई कटेगा, आर और आर कटेगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी टू बाय थ्री कैपिटल एच टेन थीटा. देखना तो ये आ रही है और ये टू बाय थ्री कैपिटल एच टेन थीटा क्या हो, यही आ रही हूँ. हाँ सर यही है. और ये कैपिटल सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू जो आ रही है ना उसको ये इक्वेशन उनमें पुट कर दो क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है वापस, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है. तो जैसे आप पुट करोगे यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट, जो आपको चाहिए वैसी दिखेगा आंसर. और जिनसे नहीं आता है मुझे कृपया करके बताइए क्योंकि